सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के थाना दमड़ियाना के दर्जनों लोगों के भाजपा में शामिल होने की खबर अब पूरी भी नहीं हुई थी कि महिला मंडल की प्रधान गुमरो देवी सहित अन्य महिलाओं ने सामने आकर इस खबर का न केवल प्रतिवाद किया है बल्कि आरोप लगाया है कि अपने निजी काम के सिलसिले में अगर कोई व्यक्ति समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के निवास पर जाता है तो काम करने की बजाय उसके गले में भाजपा का पटका पहना दिया जाता है। इन महिलाओं ने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश और महामंत्री अशोक राणा को बताया कि उनके भाजपा में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि वे इलाके के विधायक राजेंद्र राणा के साथ खड़ी हुई हैं और विधायक की विकासात्मक व जनकल्याणकारी सोच की कायल हैं। इन महिलाओं ने बकायदा वीडियो जारी करके कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से वे अपने निजी काम करवाने के लिए गई थी लेकिन काम करने की बजाय उनकी इच्छा के विपरीत उनके गले में भाजपा का पटका पहना दिया गया। इन महिलाओं ने इसे भाजपा की अलोकतांत्रिक कार्रवाई तथा नैतिकता के खिलाफ करार दिया। महिला मंडल प्रधान गुमरो देवी व अन्य महिलाओं ने कहा कि विधायक राजेंद्र राणा के नेतृत्व में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र ने विकास की बुलंदियां छुई हैं और राणा इस विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल होते हैं, इसलिए उनका डट कर समर्थन पहले भी किया है और आगे भी करती रहेंगी। सर, मैं महिला मंडल के प्रधान हूँ। श्रीमती गुमरो देवी गांव दबड़ैणा से आमदुमल के पास गए थे अपना गांव का काम करवाने के लिए, तो उधर उन्होंने काम तो क्या करना, उन्होंने उल्टे पट्टे पटके डाल दिए। उन्होंने हमें क्या पता था, तो काम तो पता नहीं अभी तो ऊपर, हम तो राजेंद्र राणा के सिपाही उनके साथ ही रहेंगे, उनके आदमी है, हमें नहीं से कोई मतलब न बीजेपी से। उन्होंने था हमें बीजेपी में शामिल कर दिया कि बीजेपी के आदमी हमारे साथ हैं ये वो, पर हम तो राणा जी के साथ हैं, उनके साथ